Good afternoon, student. The today topic is atomic model. हम लोग अब एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे. एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करने से पहले जो एक्सपेरिमेंट हुए कैथोड रेस के लिए या कैनाल रेस के लिए, इन रेस के जो हुआ कैथोड किरणों और धन किरणों, जिसको हम कैथोड रेस और एनोड रेस कह रहे हैं, उन्हीं से उनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही इस बेस पे जे थॉमसन ने अपना मॉडल जो कि फर्स्ट मॉडल कहलाता है, जे थॉमसन ने अपना फर्स्ट मॉडल प्रेजेंट किया. अब क्या था फर्स्ट मॉडल इनका, कि एटम जो होते हैं वो अति सूक्ष्म स्फेरिकल यानी बहुत ज्यादा माइक्रो होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, गोलाकार होते हैं और विद्युत उदासीन यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है जो पॉजिटिव और निगेटिव मैटर से बने हुए. यानी एटम क्या है, स्फेरिकल है, बहुत स्मॉल है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से पर्दे से बने हुए. क्लियर बेसिक यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो कि एटम में एक समान रूप से फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन जो है वो धन चार्ज में इस प्रकार से एम्बेडेड हैं जैसे कि वाटरमेलन में उसके सीड एम्बेडेड होते हैं, धंसे होते हैं, इसीलिए इसको वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं. क्या था इसमें वाटरमेलन में, ये आपका इस तरह से ये आपके जो है ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और ये आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, फिर से बात करते हैं कि थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो फर्स्ट मॉडल है. इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो ये अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन है, स्फेरिकल है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो मैटर है वो एटम में एक समान रूप से फैले हुए हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से उसमें एम्बेडेड हैं जैसे तरबूज में उसके सीड्स एम्बेडेड होते हैं. ये मॉडल जो है वो एटम के स्पेक्ट्रम की ओरिजिन को डिस्क्राइब नहीं कर पाया यानी उसमें असफल रहा. 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द्वारा इस मॉडल का खंडन किया और एटम का एक न्यूक्लियर मॉडल प्रस्तुत किया. सो जे थॉमसन इन 1898 प्रपोज दैट एन एटम पॉसेस ए स्फेरिकल शेप जिसका रेडियस अप्रॉक्सिमेटली 10^-10 मीटर है, इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट इन सच ए मैनर एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट. बिल्कुल ठीक इस तरह से, यानी ये आपके निगेटिव चार्ज जो कि हमने कहा कि वाटर मेलन में बीज धंसे होते हैं, सीड एम्बेडेड होते हैं, वो एक प्रकार के निगेटिव चार्ज हैं और बाकी जो एरिया आपका ये है वो पॉजिटिव चार्ज. इन सच ए मैनर एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट. मेनी डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दिस मॉडल. अब इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं, रेजिन पडिंग मॉडल भी कहते हैं.
This model can be visualized as a pudding or watermelon of positive charge with plums or seeds, उसी seeds को हम electron कहते हैं, embedded into it. तो ये आपका पहला model है जो कि जे.जे. थॉमसन ने दिया, और ये स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब नहीं कर सका, इसलिए ये मॉडल फेल हो गया. क्लियर? अब इसका खंडन रदरफोर्ड ने किया, और रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल. जिसे हम क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल. नेक्स्ट हो गया आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. इस मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं. इस मॉडल को न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं. पायनियर रदरफोर्ड ने 1911 में अल्फा कणों के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो जानकारी मिली उसी बेस पर एटम का न्यूक्लियर मॉडल प्रस्तुत किया. अब ये मॉडल क्या था? नंबर वन, एटम अति सूक्ष्म स्फेरिकल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है जो दो पार्ट से बना हुआ है. नंबर एक, पॉजिटिव न्यूक्लियस. फर्स्ट पार्ट क्या है? पॉजिटिव न्यूक्लियस. और सेकंड है नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं. यानी ये आपका एटम हो गया. इस एटम में ये एरिया न्यूक्लियस है, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव न्यूक्लियस. और ये जो बाहर का एरिया है, एक विशाल क्षेत्र है जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. तो दो पार्ट्स में ये हो गया. एटम का टोटल जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और लगभग जितने भी उसकी मास है वो एटम के इसमें यानी बिल्कुल मिड में यहां पे सेंट्राइज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस. इसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस. क्लियर? अब न्यूक्लियस की का जो रेडियस है वो 10^-13 से 10^-12 सेंटीमीटर. जो न्यूक्लियस का है, इस न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, 10^-13 to 10^-12 सेंटीमीटर. एटम का जो न्यूक्लियस है यानी पूरे एटम्स का बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो 10^-8 सेंटीमीटर होता है. क्लियर? एटम्स में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों ओर एक डिस्टेंस पर ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं. यानी ये आपका न्यूक्लियस है, इससे दूरी पर जो कि एक समान होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं. इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं. ये रदरफोर्ड ने बताया. क्लियर? एटम्स में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो न्यूक्लियस पर जो धनावेश यानी हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव यूनिट्स होती है उसकी संख्या के बराबर होती है, इसीलिए एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. यानी इस पर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं न्यूक्लियस पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इस पर जो चार्ज है पार्टिकल्स न्यूक्लियस पर वो दोनों इक्वल होते हैं, इसीलिए एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ओके स्टूडेंट?